नमस्कार। सितंबर महीना यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो कि भारत में हर साल सितंबर के पहले सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, ये एक उपयुक्त समय है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और गलत खान पान से हमें दूर रहने की हर समय कोशिश करनी चाहिए। ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1982 में मानव शरीर पर पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दरअसल इंसान समेत सभी प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है और यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हमें हर व्यक्ति को शारीरिक क्रियाओं के लिए 6 तरीके के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा, पानी और मिनरल्स खनिज, ये हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसलिए हमें हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल करने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके, इसी को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं पोषक तत्वों से भरपूर कुछ ऐसे ही भोजन के बारे में। हम लोग को नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही फल पर निर्भर रहें। बदलते मौसम के साथ मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। सभी फलों में अपने अपने गुण होते हैं जो हमें कई बीमारियों से दूर रखते हैं। फलों में केला एक ऐसा फल माना जाता है जिसे आप रोज़ाना नियमित रूप से खा सकते हैं। आप चाहे तो केले को दूध के साथ भी खा सकते हैं, ये आपको हेल्दी रखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम लोग दूसरा फूड आइटम दूध को देखेंगे। कहा जाता है कि दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है, इसलिए 1 गिलास दूध हर रोज़ हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही पोषकदायक होता है। अगर हमें दूध पीने में परेशानी होता है तो हमें दूध में फलों को मिलाकर उसका शेक बनाकर पी सकते हैं। अगला फूड आइटम है दलहन। प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत, दालों के नियमित सेवन से आपके हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है, इसलिए हमें दाल का नियमित सेवन करना चाहिए। और नहीं तो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा दालें आहार फाइबर, डाइटरी फाइबर और विटामिन ए, बी, सी और ई से भरपूर होती है। दालों में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और इस तरह के और मिनरल्स बहुत ही पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब हम लोग अगला फूड आइटम में बादाम को समझेंगे। ये कैसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यह दिमाग को काफ़ी फायदा पहुँचाता है। बादाम को आप कच्चा भी खा सकते हैं या पानी में भिगोकर, यह दोनों तरीके से शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला फूड आइटम है पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और गोभी आम घरों में आम भारतीय खाद्य पदार्थों में से एक है। पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती हैं। इनमें आयरन, विटामिन के जैसे
तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स यानी खनिज और पोषक तत्व होते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। अगला फूड आइटम है ब्रोकली, जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके सेवन से हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व पहुंचते हैं, जो कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता है। इसलिए इस फूड को हमें अपने फूड आइटम में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगला है लहसुन, गार्लिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये भारत के प्रमुख किचन स्टेपल में से एक है। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और हार्ट से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती है उनमें मदद करता है। अगला है मूंग दाल, ये साबुत हो या फिर धुली हुई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और कहा जाता है कि इसको अंकुरित करने के बाद इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे विटामिन्स की मात्रा बढ़ जाती है अगर हम इसे अंकुरित करें तब। लिस्ट में अगला फूड आइटम है कर्ड, दही। यह लगभग हर भारतीय के घर में उपलब्ध होता है और आसानी से उपलब्ध होता है। दही का एक कप कैल्शियम की आपकी दैनिक ज़रूरतों का 49% पूरा करता है, और ये हमारे हड्डियों के मजबूती के लिए एक प्रमुख मिनरल्स कैल्शियम इसमें होता है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दही में और एक चीज़ होता है प्रोबायोटिक्स, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करता है और हमारे बॉयल मूवमेंट को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है प्रोबायोटिक्स। अगला है पनीर, कॉटेज। ये शाकाहारियों के लिए प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। पनीर आपको वज़न कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें लिनोलिक एसिड होता है जो शरीर में फैट्स जलाने में मदद करता है। इस तरीके से हमने आज वो फूड आइटम्स देखा जो कि हमें अपने डेली के फूड आइटम्स में अवश्य इंक्लूड करना चाहिए, और ये सितंबर का महीना नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी चल रहा है, तो हमें खास करके अपने स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमें हमारे शरीर को न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। इसी तरीके के और भी न्यूट्रिशनल ज्ञान वाले वीडियोज आएंगे, आप लोग बने रहें और अगले वीडियोज को भी देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।